मैं हूँ प्रिया हिर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। इस बीच प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर के एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में चल रहे 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में 301 सेंटर में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 4.5 लाख वैक्सीन आई है, हम इसे 300 स्कूलों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती जाएगी, हम इसे बढ़ाते जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सोमवार को हमने वैक्सीनेशन के लिए 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्नआउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना से बनी स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन लागू है। वहीं इस वक्त लॉकडाउन का 3रा हफ्ता चल रहा है। बता दें, लॉकडाउन लगे होने के बावजूद दिल्ली में 2,500 से ज्यादा मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं। वहीं 400 से 450 लोगों की हर रोज मौत हो रही है। इन आंकड़ों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ये लॉकडाउन अभी और आगे जा सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।